मध्य प्रदेश से बीजेपी के 106 विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं। रात करीब 1:15 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान पहुंचा। संकट सुलझने तक गुरुग्राम के होटल में ठहराया जाएगा। बीजेपी विधायकों ने कुछ भी साफ साफ बताने से इनकार किया। गुरुग्राम में मौजूद रिजॉर्ट आईटीसी ग्रैंड भारत में सभी 106 बीजेपी विधायकों को ठहराया गया है। विधायकों के साथ होटल में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और अनिल जैन भी मौजूद थे। मीडिया को 5 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक में बीजेपी के 107 में से 106 विधायक ही पहुंचे। 2 विधायक गैर हाजिर रहे। शरद कौल और नारायण त्रिपाठी बैठक में नहीं पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का दावा, सरकार को कोई खतरा नहीं है। सिंधिया और 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद कमलनाथ का पहला बयान आया है। कमलनाथ के मुताबिक उनकी सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी, बहुमत भी साबित करेंगे। कमलनाथ का दावा है कि बीजेपी ने जिन विधायकों को कैद कर रखा है वो मेरे संपर्क में है। साथ ही कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक, हरीश रावत और दीपक बाबरिया भी भोपाल पहुंचे। कमलनाथ ने पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को बेंगलुरु रवाना किया। सूत्रों के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आज दोपहर 12 बजे दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में सिंधिया को सदस्यता दिलाई जा सकती है। अधीर रंजन चौधरी ने सिंधिया को गद्दार बताया है। साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं ने सिंधिया को जयचंद और अहंकारी बताया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सिंधिया ने लोगों के विश्वास के साथ विचारधारा से विश्वासघात किया है। ऐसे लोग साबित करते हैं कि वे सत्ता के बिना कामयाब नहीं हो सकते। ऐसे लोग जितना जल्दी छोड़ जाएं बेहतर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनका पूरा परिवार खड़ा है। बेटे महाआर्यमन सिंधिया ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक स्टैंड लिया है, इसके लिए उन्हें पिता पर गर्व है। विरासत से इस्तीफा देने के लिए साहस चाहिए। सिंधिया परिवार सत्ता का भूखा नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने पर उनकी बुआ और शिवराज सरकार में मंत्री रह चुकी शिवपुरी विधायक यशोधरा राजे ने इसे साहसिक कदम बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, राजमाता के भक्त ने राष्ट्रहित में फैसला लिया है। साथ चलेंगे, नया देश गढ़ेंगे, मिट गया है हर फासला। कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को विमान से राजस्थान या छत्तीसगढ़ भेजने की तैयारी की है। दिग्विजय के भाई लक्ष्मण सिंह के मुताबिक अभी भी कांग्रेस के साथ 94 विधायक हैं। मध्य प्रदेश संकट पर राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा, हालात पर नजर रखे हुए हैं, फैसला फ्लोर पर ही होना है। बीजेपी ने 19 विधायकों के इस्तीफों की कॉपी विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली हिंसा पर आज लोकसभा में चर्चा होगी। नियम 193 के तहत ये चर्चा की जाएगी। इसमें मतदान नहीं होगा। कांग्रेस समेत विपक्षी दल इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में जवाब भी देंगे। लोकसभा में दिल्ली हिंसा मुद्दे पर हंगामे की वजह से कांग्रेस के 7 सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया हुआ है। आज कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और बीजेपी सांसद दिल्ली हिंसा पर चर्चा शुरू करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी द एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल 2020 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। लोकसभा में स्वास्थ्य और विदेश मंत्रालय समेत 3 मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर भी चर्चा हो सकती है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाए गए लोगों ने मुलाकात की। जगन मोहन रेड्डी ने मंत्री पिल्ली सुभाष चंद्र बोस और मोपी देवी वेंकट रमाना को राज्यसभा सदस्य बनाया है। यूपी के सैफई में होली के मंच पर साथ नजर आया मुलायम परिवार। भतीजे अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के पैर छूकर करीब 3 साल से चल रही रिश्तों में कड़वाहट को दूर करने की कोशिश की। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की श्रद्धालुओं से अपील। एनआरआई हैं और विदेश से भारत आए हैं तो वे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम का कहना है कि मंदिर में हर वक्त हजारों श्रद्धालु रहते हैं। अगर कहीं कोई विदेश से कोरोना का संक्रमण लेकर आएगा तो ये तेजी से लोगों में फैल जाएगा। श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को देखते हुए अपील की गई है।
जम्मू में माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना डर नहीं। रोजाना 25 से लेकर 30,000 श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। इस साल 1,37,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक कोरोना वायरस से प्रभावित देशों से मंगलवार को लौटे 3,534 यात्रियों की जांच की गई। हेल्थ बुलेटिन में कहा गया है कि दक्षिण पूर्वी दिल्ली के रहने वाले एक व्यक्ति में लेह में वायरस की पुष्टि हुई है। अब तक कोरोना वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले 1,53,417 यात्रियों की दिल्ली हवाई अड्डे पर जांच की जा चुकी है। चीन से शुरू हुए इस घातक वायरस से 100 से ज्यादा देश प्रभावित हैं। भारत में कोरोना के अब तक 50 से ज्यादा मरीज। केरल में 6 मरीज कंफर्म। बेंगलुरु और पंजाब में एक एक मामला। ईरान से 58 भारतीयों को लाया गया। हिंडन एयरपोर्ट पर रखे गए हैं सभी भारतीय। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दावा किया है कि चीन के कोरोना वायरस के मुख्य केंद्र वुहान में वायरस पर काबू पा लिया गया है। 24 घंटे में चीन में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए हैं और 17 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं। इटली में कोरोना की वजह से जेल में कैदियों से मिलने पर लगी पाबंदी की वजह से 25 जेलों में दंगे भड़क गए हैं, जिसमें से 6 कैदियों की मौत हो गई है। कोरोना की वजह से ईरान ने 70,000 कैदियों को अस्थायी तौर पर रिहा किया है। अमेरिका में कोरोना से 22 लोगों की मौत के बाद कई लोगों के एक जगह पर इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर के बाहर पीओके के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। पाकिस्तान पर लगाया स्थानीय लोगों पर दमन करने और प्राकृतिक संसाधनों को लूटने का आरोप। दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामविलास गोयल के आपराधिक मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई होगी। शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के ट्वीट पर केस किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि याचिका पर आज 11 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। बीजेपी नेता करण सिंह तंवर ने केस किया हुआ है। पंजाब में होला मोहल्ला की रौनक और शान और शौकत देखने को मिली। श्री आनंदपुर साहिब में पूरे जोश के साथ होला मोहल्ला निकाला गया, जिसमें लाखों की तादाद में सिखों ने हिस्सा लिया। होला मोहल्ला के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी लाखों लोग पहुंचे। श्री दरबार साहिब में नमस्तक हुए। स्वर्ण मंदिर को रोशनी से सजाया गया। मुंबई के शिवाजी नगर गोल्डी में 4 साल के बच्चे की टैंक में गिरने से मौत हो गई। बच्चे का टैंक में गिरने का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। वक्त पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। यूपी के शामली में 2 पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। आगरा में आलू चोरी होने को लेकर बुलाई गई पंचायत के दौरान आरोपी पर जमकर लाठियां बरसाई गयी। आरोपी की हालत गंभीर, मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यूपी के कौशाम्बी में मामूली विवाद के बाद 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर फायरिंग हुई। झगड़े में एक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए हैं। सभी आरोपी गिरफ्तार हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लैंडस्लाइड हुई। एक घर पर बड़ी चट्टान गिरी। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। जिला प्रशासन ने हालात का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती समुदाय के लोगों ने चीन के खिलाफ 61वें विद्रोह दिवस पर मार्च निकाला। मार्च में छात्र, बौद्ध भिक्षु और महिलाएं शामिल हुई। चीन के खिलाफ नारेबाजी की गई। फरीदाबाद के सेक्टर 15 की मार्केट में एक रेस्टोरेंट समेत 3 दुकानों में भयंकर आग लग गई। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। पड़ोस में दमकल केंद्र होने की वजह से जल्द काबू पाया गया। अमृतसर के गुरुद्वारा अटल साहिब के सरोवर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एचआरटीसी के बस के खाई में गिरने से हादसा। बस में सवार 5 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हादसे पर गहरा दुख जताया।